सो हे गाइस, तो भाई आज मैं जा रहा हूँ भाई एक ऐसा काम करने जो कि भाई आप लोगों को एक यूज गाड़ी लेने से भाई पहले करना चाहिए। बट भाई मैं जा रहा हूँ 1 साल बाद। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा भी क्या होगा कि 1 साल बाद आप वो काम करने जा रहे हो। मतलब भाई जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देख ही लिया होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का जो है भाई आज एक सर्विस रिकॉर्ड निकलवाने। भाई तो मैं जाऊँगा अभी सर्विस सेंटर में, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका रीज़न क्या है। क्योंकि भाई देखो यार, अभी जो मेरी गाड़ी की रीडिंग आ रही है ना, वो आ रही है भाई 82,000। तो भाई इस गाड़ी में ना इस हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं भाई। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि एक जेन्युइन 82,000 चली हुई गाड़ी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि भाई इस गाड़ी के सस्पेंशन चलो खत्म है भाई, बंदे ने रफ चलाई होगी, बट गाड़ी में मैकेनिकल वाइज, गाड़ी में इलेक्ट्रिकल वाइज भी भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड गाड़ी जो है ना, सारी गाड़ी बज रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत बुरी तरीके से चलाई गई है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने जो है ना कल सर्विस सेंटर में भाई कॉल किया था और मैंने बात की थी, उन लोगों ने भाई मेरे को जो है बताया ना भाई, मतलब सच बता रहा हूँ मैं बिल्कुल शॉक हो गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ भाई गाड़ी की ऐसी हालात क्यों है, वो तो मैं आप लोगों को अभी चल के बताऊंगा। बट अभी मैं सर्विस सेंटर में दोबारा क्यों जा रहा हूँ, उसके पीछे भाई 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि भाई जो उन्होंने मेरे को फोटो खींची ना, वो फोटो भाई सच बताऊँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। उसमें सब ढंग से पता ही नहीं लग रहा था कि भाई कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी। वैसे ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये मतलब 150+ ही है, मतलब 150+ ही थी गाड़ी। तो ये पहला रीज़न है कि भाई मैं अपने खुद आंखों से जाके देखूंगा कि भाई गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कितने हज़ार किलोमीटर। और उसके बाद एक सेकंड रीज़न जो है भाई वो है कि यार अगर गाड़ी का मुझे चेकअप कराना है, गाड़ी का मतलब कि भाई मेरी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में आ सकती हैं, वो अगर मुझे भाई चेक करवाना, तो भाई उसका क्या प्रोसेस रहेगा एंड उसकी जो है भाई कॉस्टिंग क्या रहेगी। क्योंकि भाई चेकिंग में तो भाई पैसे लेंगे वो, वैसे तो अगर आप सर्विस सेंटर में कॉल करते हो और कहते हो कि भाई हमें सर्विस रिकॉर्ड चाहिए, तो वो सर्विस रिकॉर्ड जो है आप लोगों को दे देते हैं इजीली ही, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपके पास हुंडई की गाड़ी है तो भाई आप जो है मतलब कर सकते हो कि एक हुंडई की ऐप आती है माई हुंडई करके, तो उसमें भी आप कर सकते हो। बट उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें आती है एक OTP की दिक्कत। अभी उनका सिस्टम जो है ना भाई अपडेट हुआ तो वो OTP मांगता है। अब मुझे नहीं पता कि भाई OTP में किस ओनर का उसमें नंबर ऐड है, मतलब पहले का है या फिर दूसरे का है। मेरा नंबर तो उसमें ऑब्वियसली बात ऐड नहीं है भाई, तो OTP मांग रहा। तो मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया, उन लोगों ने मेरे को सर्विस रिकॉर्ड दे दिया। तो भाई ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, मतलब चाहे 1 साल पुरानी हो चाहे वो गाड़ी 10 साल पुरानी हो, भाई एक बार गाड़ी का जो है भाई सर्विस रिकॉर्ड जो है भाई ज़रूर से आप जो है भाई चेक करवा लेना भाई सर्विस सेंटर में कॉल करके। क्योंकि इस चीज़ में है ना भाई कोई पैसे नहीं लगते हैं, बाद में फिर भाई आप मेरे की तरह भाई पछताओगे और भाई मतलब गाड़ी को लेकर फिर आप दुखी ही रहोगे और फिर कुछ होगा नहीं भाई। तो अभी भाई पहुंचने वाला हूँ सर्विस सेंटर पे, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 3-3.5 किलोमीटर है भाई मेरे घर से। तो अभी चलते हैं भाई सर्विस सेंटर में। और भाई देखो सर्विस सेंटर में जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा भाई उतना ही मैं करूँगा, क्योंकि यार आपको आप लोगों को पता है कि भाई सर्विस सेंटर में आजकल जो है रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं भाई वो लोग। सो भाई पहुंच चुका हूँ मैं भाई सर्विस सेंटर पे। तो भाई अभी मैं चलता हूँ गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर। अभी मैं क्या करूँगा भाई, देखो कैमरा रिकॉर्डिंग तो भाई मैं ऑन नहीं कर सकता, यहाँ पर तो मैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ भाई जो मैं वही चेक करूँ, मतलब वही ऑन रखूँगा और फिर आपको सुनाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है क्या क्या बात होती है मेरी। गाड़ी नंबर DL सेवन सी एल सी एल 1389 नाम तो मेरे पे हो या वो दिखाएगा जिस नाम पे निकली थी वो। अच्छा हाँ यूज लिया मैंने। अच्छा कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी, लास्ट सर्विस कब हुई थी यहाँ पे? 1,80,000। और कब हुई थी? नहीं ईयर सन टाइम टाइम 2016 में आपकी सर्विस हुई थी इसकी। अरे 1,80,000 रुपये देख सकता हूँ मैं। चेक नंबर प्लेट रेटिंग। अच्छा
21 में चलिए। और अगर मुझे गाड़ी का चेकअप कराना हो तो क्या प्रोसेस रहेगा भाई इसका? हाँ मतलब पूरी चेकअप करानी भाई, अब तो मैंने खरीद ली भाई, पूछे मतलब तो बस 1.5 लाख के लिए थी। और मेरे को पता है मीटर कितने मिला था? 79 एक बंदे दिली थी इसके बाद है ना, विजय अरोड़ा के बाद आई थिंक एक बंदा और था उधर, उसने मीटर दी थी रोनी का बंदा था वो, और 72 पर दी थी। मोड़ में 10 है वो तो मैंने बता था, मैंने 3-4 साल है गाड़ी के, मैंने पिछले साल ली थी। अब मैं कहा यार गाड़ी में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही, गाड़ी कभी इंजन बोल रहा है कभी इलेक्ट्रिकल बोल रही है, गाड़ी सारी बज रही है। मगर एक बार सर्विस, वो बंदा उस टाइम कर रहा था कि सर्विस रिकॉर्ड चेक करा लो कुछ करा लो, उस टाइम कराया ना। अब एक बार फोटो ले ली भाई इसकी, करवाना हो तो क्या रहेगा इसका? वैसे मतलब वो वीडियो स्कैनर लगा के जो गाड़ी में प्रॉब्लम होती है वो तो बता देंगे ना। भाइयों सुन लिया आप लोगों ने सब कुछ, मतलब जो मैंने भाई वहां पर बात की थी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो आप ये गलती मत करना भाई जो मैंने ये गलती की है। मतलब गाड़ी लेने से पहले चाहे आप 1 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो या चाहे आप 10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो भाई, एक ना एक बार भाई अपनी गाड़ी की जो है सर्विस हिस्ट्री, कम से कम सर्विस हिस्ट्री तो आप निकलवा ही लेना। अगर आप चेकअप ना कराओ तो भाई कम से कम सर्विस हिस्ट्री तो भाई अपनी गाड़ी की आप चेक करवा ही लेना, क्योंकि यार आप लोग देख रहे हो ना कितना बड़ा मतलब इस गाड़ी में मेरे साथ भाई फ्रॉड हुआ है। मतलब मैं आपको बताता हूँ जिन भाइयों ने ध्यान से नहीं सुना, मतलब ये गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर पर लास्ट टाइम आई थी, वो भी सर्विस पर नहीं आई थी, वो भी कुछ छोटे मोटे रिपेयर के लिए भाई ये गाड़ी आई थी। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि ये गाड़ी 2021 में आई थी 1,80,000 पे, और ये गाड़ी मेरे को 2022 में सिर्फ और सिर्फ 72,000 किलोमीटर पर मिली है भाई। ये आप लोग सोच रहे हो मतलब पूरा पूरा जो है ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर बैक करे गए भाई गाड़ी के, 1,00,000 किलोमीटर लिटरली भाई। मतलब अब आप लोग देख लो भाई कि क्या है मतलब और क्या नहीं है भाई, क्योंकि यार ये सब चीज़ें हैं ना भाई बंदों का दिमाग ख़राब कर देती है। और भाई यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बंदे का विश्वास उड़ जाता है भाई एक यूज्ड कार लेने पर, क्योंकि यार आप इतना अपना जो भाई पैसा लगाते हो भाई उसके ऊपर, फिर आपको ऐसे स्कैम देखने को मिलते हैं यार। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जैसे मैंने बताया कि मुझे क्यों एक सर्विस हिस्ट्री 1 साल बाद निकलवाने की मुझे दिमाग में बात आई भाई, मुझे इस गाड़ी में पहले ही लग रहा था इस गाड़ी का मीटर चेंज है, क्योंकि भाई इस गाड़ी में ना तो ट्रैक्शन कंट्रोल आता है ना गाड़ी में ABS आता है, बट फिर भी गाड़ी के जो टैकोमीटर मतलब जो RPM मीटर होता है भाई उसमें उनके सिंबल्स दिए गए हैं भाई, ये चीज़ मैंने देखी। और इस गाड़ी में जितनी प्रॉब्लम आई है ना भाई उतनी मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब ओनरशिप रिव्यू में मैं आप लोगों को बहुत खुलकर बताऊँगा कि भाई गाड़ी ने मेरे साथ क्या क्या मतलब मैंने क्या क्या झेला है भाई गाड़ी को। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर अपनी खुद की वर्कशॉप नहीं होती ना भाई तो लिटरली भाई ये गाड़ी जो है बिक चुकी होती, अब तक गाड़ी इतना खर्चा मांग चुकी है। और अब तक जो है ना सच बता रहा हूँ भाई, मैं गाड़ी को कोस रहा था, गाड़ी को गालियाँ दे रहा था कि यार घटिया गाड़ी ये वो, बट अब मुझे पता लगा कि भाई गाड़ी ने कितना कुछ जो है ना भाई वो सहा है। मतलब उस जो भाई शोरूम वाले बंदे थे ना उन्होंने मतलब सर्विस सेंटर वाले बंदे ने बोला था कि भाई आपको पता है कि ये जो गाड़ी है ना, बंदे ने शायद ये किया है कि गाड़ी जो है 1,80,000 किलोमीटर चला के बंदे ने पूरा का पूरा मीटर ही चेंज करा दिया, और उसके बाद बंदे ने 72,000 किलोमीटर चला दिया है। मगर यार मतलब भाई खतरनाक ही यार ऐसे ऐसे बंदे काम करते हैं भाई। तो यार मैं तो भाई आप लोगों को जरूर जरूर रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग अपनी गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड भाई जरूर निकलवाएं, क्योंकि भाई इनमें इस चीज़ में कोई पैसे नहीं लगते हैं। बट अगर एक बार आप गाड़ी ले लेते हो ना उसके बाद भाई फिर आपके पैसे रुकते नहीं है कि भाई ये हो गया आज ये खर्चा आज वो खर्चा, इसीलिए भाई बंदे जो है पुरानी गाड़ी लेने से भाई कतराते हैं। सो बस भाई यही था मेरी आज की वीडियो में, तो भाई बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।